छतरपुर जिले से हैं, जहां नगर पालिका परिसर के सामने स्थित डॉक्टरों के शासकीय आवास की बाउंड्री वॉल पर नगर पालिका द्वारा बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अरवार ने बताया कि जिला चिकित्सालय में ड्यूटी के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टरों के शासकीय आवास की बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब आकर देखा तो पता चला कि हमारी बाउंड्री वॉल बगैर सूचना के तोड़ दी गई। इसके आगे उन्होंने बताया कि हमारे पेड़ पौधे भी उखाड़ दिए गए। यह नगर पालिका की तानाशाही है। वह इस पूरे मामले में नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा ने कहा कि नगर पालिका के पीछे स्थित शासकीय आवासों के बाहर का अतिक्रमण हटाया गया और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एनओसी लेकर पूरी प्रक्रिया नियम के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जो भी अतिक्रमण यहां पर है उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला चिकित्सालय के जो चार डॉक्टर थे उनके सरकारी आवास पर जो बाहरी बाउंड्री बनी हुई थी वो उसमें सभी डॉक्टर जिला चिकित्सालय में ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के आने के बाद बच्चों ने ये बताया कि कोई आदमी जेसीबी लगा करके वो बाउंड्री वह पूरी वो तोड़ रहा है। तो जब मैं यहाँ पर आया वो डॉक्टर साकेत गुप्ता और अन्य डॉक्टरों ने देखा तो उनके बाहर की जो बाउंड्री थी वो टूटी हुई पड़ी हुई थी और बिना बताए वो बिना लिखे सूचना के ये नगरपालिका अधिकारी ने तोड़ा है। तो हमने उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था कि हमको आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्योंकि हमारा जो हमारी बाउंड्री है उसमें हमने खुद निजी पेड़ पौधा भी लगाए हैं, हमने फेंसिंग भी की है, उसमें हमने जाली भी लगाई है, ये आपको तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई शासकीय नियमानुसार आपको ज़रूरत है ज़मीन की तो हमको लिखित में देते, हम अपनी बाउंड्री को उतना अंदर कर लेते। लेकिन शासकीय अधिकारी और सिविल सर्जन और अन्य क्लास वन ऑफिसर का बंगला और बिना लिखे सूचना के उनका नुकसान करना ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बाहर जो रोड है उसका चौड़ीकरण का प्रस्ताव काफी दिनों से है और कार्यादेश दिया हुआ था, उसी में चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। तो उसमें जो अवैध कब्जे हैं या अतिक्रमण है उनको हटाया।